बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 के चलते खूब सुर्खियों में हैं। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। ऐसे में सलमान खान और फिल्म के क्रू मेंबर्स ने खास अंदाज में वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सलमान बता रहे हैं कि उनकी फिल्म दबंग 3 की शूटिंग पूरी हो गई है और ये शूटिंग 6 अक्टूबर को खत्म हुई। खास बात यह है कि उनकी मूवी दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना की बर्थ एनिवर्सरी के दिन यानी कि 6 अक्टूबर को पूरी हुई। सलमान ने वीडियो में बताया कि विनोद खन्ना की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी मूवी दबंग 3 की शूटिंग खत्म हुई। पूरी टीम उन्हें बहुत मिस करती है। इस बार फिल्म में उनके भाई प्रमोद उनका किरदार निभा रहे हैं। बता दें कि फिल्म दबंग और दबंग 2 में विनोद खन्ना सलमान के पिता के रोल में नजर आए थे। फिल्म में विनोद खन्ना के किरदार का नाम प्रजापति पांडे था। अब इस रोल में उनके भाई प्रमोद नजर आएंगे। बीते दिनों फिल्म दबंग 3 का टीजर रिलीज हुआ था। सलमान ने इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था जो फैंस को खूब पसंद आया। टीजर के बाद फैंस को ट्रेलर का इंतजार है। आपको बता दें कि ये फिल्म 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है, हिंदी, कन्नड़ और तमिल। बता दें कि सलमान खान की इस फिल्म में एक बार फिर रज्जो यानी सोनाक्षी सिन्हा नजर आएंगी। इसके साथ ही वरीना हुसैन भी आइटम नंबर करते दिखाई देंगी। फिल्म में सल्लू मियां एक बार फिर चुलबुल पांडे के किरदार में नजर आने वाले हैं। मालूम हो कि ये दबंग सीरीज की तीसरी फिल्म है। पहले दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही। इस फिल्म में सलमान खान दो अभिनेत्रियों के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे। पिछली सोनाक्षी सिन्हा रज्जो के रोल में दिखाई देंगी, लेकिन उनके अलावा दो फिल्मों की तरह इस बार भी एक्ट्रेस इस फिल्म में महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर भी होंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी टीवी और फिल्मी गलियारों से जुड़ी हुई लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए देखते रहें फिल्मी पंचायत।